ये आपका चैप्टर कंटिन्यू है। आज मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करवाऊंगी। अभी नीचे आपको दिया हुआ है, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल विच इज़ मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग। अभी ये आपको टेबल में बताया है जो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी करवा देती हूँ जो आपको करनी है। नंबर वन, क्लासिफाई सब्सटेंस इनटू कंस्टेबल एंड नॉन कंस्टेबल सब्सटेंस। तो ये टेबल में आपको बताया है, देखो कंस्टेबल और नॉन कंस्टेबल, ठीक है। मटेरियल अभी फर्स्ट आएगा, मटेरियल कंस्टेबल नॉन कंस्टेबल, मटेरियल आएगा कंस्टेबल राइट एंड नॉन कंस्टेबल रॉन्ग। पेपर ये आपको इसमें ही आप कर लो, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर टू है, रोड प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। पार्टिकल्स एंड मटेरियल्स, कैंडल, मैच बॉक्स, वुडन ब्लॉक्स, टेबल, ग्लास, लाइट, ग्लास, चिमनी। ये आपको यहाँ पे बताया है, देखो डायग्राम में, ठीक है। अभी इसका प्रोसीजर आएगा, नंबर वन, फिक्स अ कैंडल ऑन द टेबल एंड पुट अ ग्लास चिमनी ओवर इट, रेस द कैंडल ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स सच दैट इट कैन एंटर द चिमनी, ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ द कैंडल। नंबर टू, रिमूव द वुडन ब्लॉक एंड रेस द चिमनी ऑन द टेबल, ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ द कैंडल अगेन। अभी मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000 एंड बायोगैस 35,000 -45,000, हाइड्रोजन 1,50,000। इसकी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। अभी मैं नेक्स्ट आपको जो एक्टिविटी टू है वो करवाती हूँ, रोल प्ले बाय और इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अपार्टक्स एंड मटेरियल्स, कैंडल्स, मैक्सबॉक, वुडन ब्लॉक्स, टेबल ग्लास, स्लाइड ग्लास, चिमनी। प्रोसीडर अभी इसको आपको ड्रॉ करना है, देखो प्रोसीडर आएगा, वन, फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल एंड पुट अ ग्लास चिमनी that air can enter the chimney, observe the flame of the candle. Number two, remove the wooden block and raise the chimney on the table, observe the flame of the candle. Put a glass plate over the chimney and observe the flame. Observation, the candle burns freely. Number two, the flame E or the candle flickers and produces smoke. Number three, the flame of the candle is put off. Conclusion aayega, air can enter the chimney from below, the candle burns freely. Number two, when air does not enter the chimney from below, the flame of the candle flickers and produces smoke. Number three, when air is not available, the flame of the candle is put on. Air is necessary for the process of combustion to take place. Next, number three, to show that combustion takes place in the presence of air, attracts and materials, iron plate burning, charcoal burning, wooden block, glass jar. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate, cover it with a glass jar. Observe it.
ऑब्जर्वेशन द वुड और चारकोल स्टॉप बर्निंग. कंक्लूजन द ब्लेजिंग ग्लास जार इज नॉट अवेलेबल टू चारकोल और बर्निंग वुड एंड स्टॉप बर्निंग. ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है. फोर नंबर है टू शो दैट अ सब्सटेंस स्टार्स बर्निंग एट द इग्निशन टेम्परेचर. पार्ट नंबर टू इज कैंडल्स वाटर पेपर कप्स. प्रोसीडर टू वन नंबर अमाउंट 50 मिली ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स एंड कीप अदर कप एम्प्टी. नंबर टू हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ अ कैंडल एंड ऑब्जर्व दैम. ऑब्जर्वेशन द एम्प्टी पेपर कप स्टार्ट्स बर्निंग. जो खाली पेपर होता है वो जलने में स्टार्ट होता है, उसकी जो फ्लेम होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट टू द पेपर कप फिल्ड विथ वाटर डज नॉट बर्न वाटर इन इट विल बिकम हॉट. जो फिल्ड पेपर होता है वो डज नॉट बर्न, वो नहीं जलता है, और वाटर इन इट विल बिकम हॉट, और जो पानी होता है वो हॉट गर्म हो जाता है. कंक्लूजन बाय हीटिंग द पेपर कप फिल्ड विथ वाटर वाटर विल एब्जॉर्ब दैट हीट. द इग्निशन टेम्परेचर और पेपर इज नॉट रीच एंड इट डज नॉट बर्न. नेक्स्ट नंबर फाइव टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल्स फ्लेम एंड मटेरियल्स कैंडल मैच बॉक्स ग्लास ट्यूब पेयर ऑफ टंग्स एंड ग्लास लाइट्स कॉपर. वन नंबर लाइट अ कैंडल. नंबर टू होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग एंड इंट्रोड्यूस इट्स नॉ इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. नंबर थ्री पुट अ बर्निंग मैच नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब ऑब्जर्व इट फिगर. ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. नेक्स्ट प्रोसीडर वन नंबर होल्ड अ ग्लास प्लेट और ग्लास लाइट इन टू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. रिमूव ग्लास लाइट एंड ऑब्जर्व इट फिगर. नेक्स्ट होल्ड अ कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द आउटर सेकेंड्स. ये आपको ये भी ड्रॉ करना है. नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड फ्लेम अपीयर नियर द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब बी अ ब्लैकिश रिंगिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास लाइट. द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम बिकम्स रेड हॉट. द मोल्टन वैक्स ऑफ द कैंडल राइजेस थ्रू द वीक एंड वेपराइजेस विच गिव्स अ फ्लेम नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स डिपोजिट ऑन द ग्लास लाइट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. कॉपर वायर बिकम्स रेड हॉट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर मोस्ट जोन ऑन फ्लेम इज टू हाई. अभी नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो आप मैं आपको करवा देती हूँ. इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा. नंबर वन है गैस इज यूजफुल फॉर कंबशन. तो आज का आंसर आएगा इसका, इसके ऑप्शन पहले सुनो. नंबर वन हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन. तो आंसर आएगा बी ऑक्सीजन. नंबर टू कंबशन ऑफ सीएनजी इज अ एग्जांपल ऑफ ए रैपिड कंबशन, बी स्पॉन्टेनियस कंबशन, सी स्लो कंबशन एंड एक्सप्लोजन. इसका आंसर आएगा ए रैपिड कंबशन. नंबर थ्री अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कोल्ड. तो इसके ऑप्शन है अ हीट वैल्यू, बी इनर वैल्यू, सी इंडिकेट वैल्यू एंड डी कैलोरीफिक वैल्यू. तो इसका आंसर आएगा डी.